बाहुबली जो खुद बनाता है अपना रास्ता, जिसके चलने के लिए रास्ते छोटे पड़ जाते हैं, पुल तंग और कमजोर, इतना विशाल और भारी कि ये दौड़ता नहीं है बल्कि रेंगता है, जहां से भी गुजरता है सभी की नजरें उस पर ठहर जाती हैं, उसे देख सभी लोग चंबित हो जाते हैं, उसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ जुट जाती है। हम बात कर रहे हैं एक विशालकाय ट्रक की, जिसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके 416 टायर हैं, 39 मीटर लंबा है, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए 25 से 30 लोगों की टीम हर दम उसके साथ चलती है। इस 416 टायर्स वाले ट्रक को दो ट्रक आगे से खींचते हैं और एक ट्रक पीछे से धकेलता है। ये बाहुबली ट्रक पिछले 22 दिनों से सिरसा में है, यहां से इसे बठिंडा रिफाइनरी जाना है। इस ट्रक पर रिफाइनरी में लगने वाला रिएक्टर लोड किया गया है। ये ट्रक रोजाना दिन में चलता है और करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमूमन सड़कों पर आम जन ने 6, 8, 10, 12 टायर वाले ट्रक देखे होंगे, लेकिन 416 टायरों वाला ये ट्रक अद्भुत है। जहां से गुजरता है लोग ठहर कर देखते हैं, आखिर ये क्या बला है और इस पर जो लोड किया गया है वो क्या है। तो आपको बता दें कि न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ट्रक के साथ चल रहे टेक्निकल इंचार्ज रविंद्र पांडे ने हमें जानकारी दी है, बताया कि ये ट्रक गुजरात के कांडला पोर्ट से करीब 11 महीने पहले चला था, जिसे पंजाब के बठिंडा रिफाइनरी जाना है। रास्ते में मौसम खराब होने के चलते इसे रोकना पड़ा था और उसके बाद लगातार नजरें बनी हुई थी कि आखिरकार ये कब चलेगा। टायर तो 416 टायर है ट्रॉली में और इसको खींचते हैं, खींचने के लिए ऐसा बनावट है, ये हाइड्रोलिक एक्सल है, तो इसमें लोड के हिसाब से ट्रॉली लगे हुए हैं, तो ज़रूरत पड़ता है तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लगाते हैं। इसमें अभी काम चल रहा है, यहाँ पे गगर पे काम चल रहा है, दो चार दिन में हो जाएगा तो यहाँ से मूवमेंट करेंगे हम लोग। क्या काम कर रहे हैं सर गगर पे अभी? ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, बाईपास बना रहे हैं नदी में। अलग से रास्ता निकाल रहे हैं? जी हाँ। बस ये पास हो गए, यही तक बनेगा, केवल घगर नदी का ही बन रहा है। बारिश का टाइम था, थोड़ा इसमें कहीं होल्ट भी कर दिया, जैसे कोई नदी का बाईपास था, बारिश ज्यादा होने के कारण रुक गया वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। स्टाफ कितना लेके चल रहे हैं? 25 तक जितना स्टाफ है। खाने पीने का अरेंजमेंट सारा बीच में ही होता है? हाँ, सब कुछ अलग अलग है, कुछ लोग होटल जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी पे, कैंटीन है गाड़ी पे ही बनता है, गाड़ी पे लोग लंच करता है, डिनर रखता भी गाड़ी पे ही है। तो बठिंडा कब तक पहुँचाएंगे? 15 दिन लगेगा। और हाईवे पर अक्सर जो ट्रक आपने अभी तक दौड़ते हुए देखे हैं उनका साइज इतना नहीं होता, यहां ये बाहुबली ट्रक दौड़ नहीं रहा बल्कि रेंग रहा है। बाहुबली ट्रक का सड़क पर खौफ इतना कि जब ये चलता है तो सड़क खाली करवानी पड़ती है, क्योंकि इसका साइज और लंबाई इतनी है कि ये बाहुबली ट्रक पूरी सड़क को घेर लेता है। ये ट्रक हाईवे पर बने फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं चलता बल्कि नीचे से चलता है। कोई इसके साथ सेल्फी लेता है तो कोई ट्रक की तस्वीरें लेता है। इस ट्रक पर रिफाइनरी में लगने वाला रिएक्टर लोड किया गया है। 2 नवंबर को सिरसा पहुंचने पर इसे रोक दिया गया। वजह यह थी कि हाईवे पर पड़ने वाले रेलवे ट्रैक को क्रॉस करवाना था, उसके बाद सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी को भी पार करना था। रेलवे का ट्रैक पार करवाने के लिए रेलवे की मंजूरी की जरूरत पड़ी, इसके अलावा ट्रैक के साथ लगती जगह पर सड़क का निर्माण भी करना था। कई दिनों से काम चल रहा था। सर, पिछले 20 दिनों से सिरसा आप रुके हुए हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आई और अब आगे कितने दिन लग जाएंगे सर? आगे अभी 15 दिन करीब लगेगा, और यहाँ पे दिक्कतें रेलवे क्रॉसिंग के था, आगे घगर रिवर का है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी वो सॉल्व हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर में सर। तो रेलवे क्रॉसिंग क्या इससे पहले भी की सर? हमने आज देखा सर, इससे पहले भी कितनी रेलवे क्रॉसिंग आप कर चुके हैं सर? 10-12 रेलवे क्रॉसिंग तो कर चुका है पहले, आरओबी का रेलवे क्रॉसिंग कर चुका है पहले भी।
तो घग्गर पर किस तरह से सर इसको क्रॉस कराया जाएगा? क्या जो पुल है वो उसमें दिक्कत आती है जो अलग बनाया जा रहा है सर? ये टेम्प्रोरी रोड बनाएगा उसके लिए, पुल पे सेफ्टी के हिसाब से हम लोग नहीं निकलते हैं अभी कंसाइनमेंट को, उसके लिए टेम्प्रोरी रोड कंस्ट्रक्ट करके फिर निकलते हैं। तो उसको कितने दिन अभी लगेंगे सर पुल को तैयार होने में? जो 4 से 5 दिन अभी लगेगा। तो अब कितने दिन मान के चलें कि ये रिएक्टर पहुंच जाएगा सर रिफाइनरी में? सर विद इन 15 डेज पहुंच जाएगा रिएक्टर। तो इतना टाइम सर कैसे लग गया, कितनी दिक्कतें सर आपको आई सर यहाँ पर? वो बारिश के कारण 2-3-4 महीने खड़ा हो गया था, उसके लिए इतना टाइम लगा, बाकी ऐसे टाइम नहीं लगता है मूवमेंट के लिए। और रास्ते में तो कई छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते और रनिंग में सॉल्यूशन होते रहता है उसका। तो अब मान के चलें कि सिरसा को क्रॉस करने का जो आधा रास्ता था वो आपका कंप्लीट हो गया है? हाँ, कंप्लीट हो गया। रेलवे की मंजूरी मिलने के बाद सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद शुक्रवार को रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक के ऊपर लगी तारों को डाउन कर दिया। उसके बाद बाहुबली ट्रक के साथ चल रही टीम ने रोड पर लोहे की चादरें बिछाकर 5 मिनट में ट्रक को यहां से पार करवाया। तुहानू तस्वीरां विखा दिए, रेलवे ट्रैक दे उत्ते पाथ बनाया गया है जिस दे उत्तों बाहुबली ट्रक नू कढ़िया जाऊगा। आप देखोगे तुसी स्टील दी जड़ी ए लोहे दी जड़ी सड़क बनाई है। हुण सामने तस्वीरां दे विच असीं तुहानू विखा रहे हैं कि बाहुबली ट्रक जिहड़ा है वह चल पिया हैगा, ये अगे वधण नू तैयार हैगा। तुसी अगे वेख सकते हो कि ये ट्रक जिहड़ा है हुण चल पिया हैगा ते ये रेलवे लाइन नू हुण क्रॉस करूगा। हुण असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हाँ न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां कि किस तरह ये बाहुबली ट्रक जिहड़ा है ये अगे वध चुकिया है। किन्नी 4 ट्रक ने जिहड़े इस बाहुबली ट्रक नूं अगों कढ रहे ने ते 4 ट्रक जिहड़े ने इहनूं खिंच रहे ने ते ये रेलवे ट्रैक है जिहदे उत्ते लोहे दी चादरां बिछाइयां ने ते उहदे उत्तों दी कढ़िया जा रहा है। तस्वीरां च असीं तुहानूं विखा रहे हां एक्सक्लूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 ते असीं तुहानूं विखा रहे हां कि किस तरह इस बाहुबली ट्रक नूं कढ़िया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 ते वेख सकते हो। रेलवे ट्रैक इस वक्त क्रॉस कर रहा है, 416 टायरां वाला जिहड़ा ये ट्रक हैगा इस वक्त रेलवे ट्रैक तो क्रॉस हो रहा हैगा। पिछले कई दिनों तो तकनीकी कारण सी जिस दे चलते ये ट्रक जिहड़ा है पास नहीं हो सकया, नहीं चल सकया। हुण इस नूं कढ दित्ता गया है रेलवे ट्रैक तो, ते रेलवे ट्रैक दे उत्ते लोहे दी चादरां बिछाइयां ने जिस दे उत्तों इस बाहुबली ट्रक नूं अग्गे कढ दित्ता है। हुण अग्गे जा रहा है, तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो किस तरह ये ट्रक जिहड़ा है हुण अग्गे चल पिया है। हुण ये अगे बठिंडा दे विच बनी रिफाइनरी जिहड़ी है उस दे विच जाण नूं तैयार है। जिवें ट्रक निकलिया है उस तों बाद तुरंत जिहड़े ने अधिकारी ने जिहड़े कर्मचारी ने जिहड़े इस ट्रक दे नाल चल रहे ने ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਊ। अब अगली चुनौती घग्गर नदी को पार करवाना है जिसके चलते इस कंपनी के लोगों ने घग्गर नदी के बीच में पुल बना दिया है जिसका काम आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस बाहुबली ट्रक को घग्गर नदी के बीच में से पार करवाया जाएगा। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे नंबर 9 पर मौजूद हूँ। ये रास्ता
हरियाणा से पंजाब की तरफ कनेक्ट होता है, डवाली से बठिंडा फाजिलका इस तरफ ये रास्ता जाता है, और ये रास्ता जो है वो दिल्ली से होता हुआ सिरसा से होता हुआ यहाँ जाते हैं। ये घग्गर नदी का पुल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आपको मैं इसकी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस घग्गर नदी में से एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। ये घग्गर नदी के अंदर से एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पुल है और यहाँ पर एक नया रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। विस्तार से आपको मैं बताऊंगा कि ये रास्ता क्यों तैयार किया जा रहा है, लेकिन आप पहले तस्वीरें देखें कि किस तरह से घग्गर नदी के अंदर से एक मिट्टी का नया पुल बनाया जा रहा है, एक रास्ता, एक पाथ बनाया जा रहा है, जो कि आगे जो है तस्वीरों में आप देखेंगे कि वो आगे जो गांव है वहां की तरफ जा रहा है। ये रास्ता इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस रास्ते से वही 416 टायरों वाले ट्रैक्टर ने गुजरना है जो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाया था। क्योंकि जिस घग्गर नदी के पुल पर मैं मौजूद हूँ, उस घग्गर नदी के पुल से उस ट्रक को नहीं निकालेंगे, इस सड़क से, इस रोड से उस ट्रक को नहीं निकाला जाएगा। कंपनी के लोगों का यह कहना है कि अब 15 दिनों में इस रिएक्टर को बठिंडा रिफाइनरी में भेज दिया जाएगा। वैसे इस ट्रक को गुजरात से बठिंडा तक पहुंचने में 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके चलते देरी हो गई। कई दिनों तक मौसम खराब रहा जिस वजह से इस ट्रक को रास्ते में रोकना पड़ा। कुछ भी है, इस बाहुबली ट्रक को देखने के लिए लोगों में काफी क्रेज है। सबके लिए इसे देखना अनोखा और नया अनुभव था। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर ये ट्रक कैसे और कब पंजाब पहुंचता है।